में हम बात करेंगे नॉर्म्स की डेट के बारे में, एमडीकेट की डेट के बारे में, दोनों टेस्ट कब होगा, उसके अलावा जो है पीएमसी और पीएमडी से रेगुलेशन जो न्यू है उनकी बात करेंगे, एनएलई के एग्जाम की बात करेंगे, एनएलई एग्जाम कौन कौन देंगे, उसके अलावा जो है वो इमरान खान जो रद्द अमल आया है पीएमसी और पीएमडी से, डॉक्टर आरिफ अल्फी का जो रद्द अमल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी डेट के बारे में कि डेट चेंज हो सकती है, तो वो दुनिया न्यूज़ की जो है वो न्यूज़ थी, वो कन्फर्म न्यूज़ नहीं थी, जो मैंने कमेंट में आपको बता दिया था कि वो कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, वो एक्सपेक्टेड डेट है। हर टेस्ट की पहले एक्सपेक्टेड डेट आती है, फिर जो है फाइनल डेट फाइनल आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि एमडी की एक्सपेक्टेड डेट जो थी वो लास्ट ऑफ अक्टूबर थी, तो 18 अक्टूबर बने, तो इस तरह जो है वो एक्सपेक्टेड डेट्स थी, वो छूट नहीं था, वो एक डेट आई थी सामने कि चेंज हो सकती है नवंबर में, हो सकता है डिले हो सकता है। लाइक अभी भी जो है ये है कि एमडीकेट जो है वो डिले हो सकता है, लाइक वो एंड ऑफ मतलब कि स्टार्ट ऑफ नवंबर में भी हो सकता है, उसके अलावा जो है मिड ऑफ नवंबर में भी हो सकता है, या 18 अक्टूबर को भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि वो डिले होगा, बिकॉज इमरान खान ने जो है वो अपना जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया। उसके अलावा नाम्स की डेट के बारे में अगर नाम्स की जो डेट है वो 11 अक्टूबर फाइनलाइज है, नाम्स ने जो है अपलोड कर दिया है कि वो अपना टेस्ट जो है वो 11 अक्टूबर को ही लेंगे। अब सामने जो आ रही है आप पढ़ सकते हैं कि अपना टेस्ट जो है वो 11 अक्टूबर को ही लेंगे। उसके अलावा जो है एडमिट कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उनको जो है वो कार्ड मिल जाएगा, और डेट जो टेस्ट डेट जो होगी वो 11 अक्टूबर की होगी, इसमें 11 अक्टूबर में कोई डिले नहीं होगा, मतलब नम्स एमडी कैट जो है उसका टेस्ट है 11 अक्टूबर को ही होगा, ये कन्फर्म होगा। उसके अलावा जो है ये आपको ये मैंने अपने कम्युनिटी में अपलोड कर दी थी कि इमरान खान ने जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो अपना जो वजारत कौमी सेहत के मुल्क भर में मेडिकल कॉलेज में जो दाखिले का एनी टेस्ट था उसको जो है मुस्तरद कर दिया, ठीक है, कि उसकी समरी जो है वो पूरी जो है मुस्तरद कर दी, और नई समरी जो है वो बनाने का कहा गया है पीएमसी को, और ये सेंड कर दी गई सदर को, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अल्वी के पास, को इस समरी को दोबारा जो है वो तक उसको ठीक करें, रिकोरेक्ट करें, उसके अलावा जो है फिर पीएमसी से कहें वो न्यू समरी बनाएं और फिर जो है एमडीकेट लेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में तो जो मतलब कि पीएमडी से ने कहा था कि हम 25 सितंबर तक जो है 25 अक्टूबर तक जो है वो टेस्ट ले लेंगे, लेकिन इमरान खान ने ये कहा है कि नहीं आप जो है न्यू समरी बनाएं, इसको रिकंडक्ट करवाएं। पीएमडीसी जो है फंक्शनली मतलब पूरा वो टेम्परेरी जो है क्लोज हो चुका है, ये अपनी पीएमडीसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आ रहा है, उन्होंने ये एफवी पे पोस्ट की है कि हम जो है वो फंक्शनली जो है वो बैन हो चुके हैं, हम अब काम नहीं करें, अब जो फंक्शनली जो फंक्शन में इस वक्त है वो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी, इस वक्त वो काम कर रही है, और पीएमडीसी जो है वो फंक्शनली बंद हो चुकी है, सी बिल्डिंग्स की हो चुकी है, उसकी वेबसाइट बैन हो चुकी है, मतलब अब कम्प्लीटली जो है पीएमडीसी ऑफ हो चुकी है, तो नई समरी जो बनाएगी वो पीएमसी बनाएगी, और नई डेट डिसाइड करेगी वो भी पीएमसी डिसाइड करेगी। जितनी जल्दी समरी बनेगी, जितनी जल्दी जो है इमरान खान जो है समरी को जो है वो मतलब के करेक्ट कर देंगे, उसको चेक कर देंगे, मतलब तब ही एमडीकेट पॉसिबल, अभी तक जो है वो समरी भी मुस्तरद कर दी गई, नई समरी बनेगी, उस पर नए काम होगा, नई डेट सेलेक्ट होंगी, नया स्टाफ होगा, तो इसमें ऑफकोर्स टाइम लगेगा। इस टाइम की वजह से जो है वो एमडीकेट के डिले होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं कि एमडीकेट जो है वो डिले हो सकता है, बिकॉज चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि चांसेस क्यों ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि अभी जो है नई समरी बनेगी, नए मतलब स्टाफ की होगा, नया पेपर, हर चीज़ नहीं होगी, क्योंकि पीएमडीसी फंक्शनली जो है वो ऑफ हो चुकी है, और सारा बर्डन जो है वो पीएमसी पे आ चुका है। अब हम बात करें एनएलई के बारे में, एनएलई के जो करंट फाइनल ईयर के हैं वो दो एनएलईस देंगे, एक एनएलई देंगे वो प्रोविजनल आरएमपी के लिए, और दूसरी देंगे परमानेंट आरएमपी के लिए, मतलब करंट एचओज जो हैं, जो हाउस ऑफ फीचर्स हैं, वो सिर्फ वन एनएलई देंगे वो परमानेंट आरएमपी के, तो जो फाइनल ईयर में है, जो फिफ्थ ईयर में स्टूडेंट्स हैं, जब वो अपना फिफ्थ ईयर क्लियर करेंगे ऐसा जो मार्च 2020 से क्लियर करेंगे, वो अपना जो है वो टू एनालिस देंगे, एक वो देंगे प्रोविजनल के लिए, प्रोविजनल अपना वर्किंग के लिए, एक देंगे परमानेंट अपने लाइसेंस के लिए कि वो परमानेंटली पूरे पाकिस्तान में जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन जो एच जो इस वक्त एच ओ जो हाउस ऑफिसर जो कि फाइनल क्लियर कर चुके हैं, और जो इस वक्त एच ओ जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ वन एनालिस देंगे जो कि परमानेंट होगी, मतलब उनको प्रोविजनल देने की जरूरत नहीं होगी, मतलब सुबह में नहीं, वो परमानेंटली जो है वो पूरे पाकिस्तान में लाइसेंस मिल जाएगा कि वो पूरे पाकिस्तान में परमानेंटली जो है वो काम कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस तरह आपको बता दूं कि जो इस वक्त हैं, जो इस वक्त करंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो टू एनालिस देंगे, और जो एचओज हैं वो सिर्फ वन एनालिस मतलब एक एनालिस एग्जाम देंगे। इस साल में जो है वो दो एनालिस एग्जाम्स होंगे, एक प्रोविजनल का होता है और एक परमानेंट का होता है, तो इस साल में जो है वो पीएमसी जो है वो टू एनालिस एग्जाम्स भी लेगा, उसने एमडीकेट भी लेना है, उसने जो है डिफरेंट अपना जो है वो काम भी करना है पाकिस्तान में, बिकॉज पूरे कॉलेजेस जो है उसके अंडर हैं, उसके रिकॉग्नाइज हैं, तो उसे ऑफकोर्स काम करने की वजह से ये हो सकता है कि एमडीकेट डिले हो, लेकिन नर्म्स ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया कि हम डिले नहीं करेंगे, हम 11 अक्टूबर को लेंगे। एमडीकेट भी 18 अक्टूबर को हो सकता है, इसमें मैंने कहा कि टेंटेटिव डेट है, परमानेंट डेट अभी नहीं आई। उसके अलावा जो है अगर बात करें पीएमसी के बिल के बारे में, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि
जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस पर जो मतलब टेम्परेरी जिनके पास लाइसेंस है जो हाउस जॉब कर रहे हैं उनको एनुअली प्रोवाइड नहीं किया गया, वो उनको एनुअली प्रोवाइड किया जाएगा। एज जज ऑफ हाउस जो क्लीप मतलब क्लियर कर लेंगे उनको एनुअली एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब उनको सिर्फ एक एनुअली एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको दो एनुअली एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो है वो वाइवा और ओएसपी भी होगी जो कि पीएमसी लेटर ले लेगा, मतलब पीएमसी बाद में वाइवा ओएसपी भी ले लेगा, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ जो है वो एग्जाम लेगा एनुअली के। उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी हाउस जॉब कर रहे हैं वो परमानेंट एनुअली देंगे, और जो अपना जो है वो अभी फिफ्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर फाइनल अभी नहीं हुई क्लियर, तो वो जो है वो दो एग्जाम देंगे, एक प्रोविजनल जिसे एग्जिट एग्जाम भी कर रहे हैं, मतलब जिससे आप हाउस जॉब कर सकेंगे प्रोविजनली, और एक होगा आपका जो है वो परमानेंट एनुअली जिससे आप जो है वो परमानेंटली जो है पूरे पाकिस्तान में जो है आप लाइसेंस कर सकते हैं। आपके सामने जो है अपना नोटिस आ रहा है, आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, पूरा नोटिस है। तो इस तरह बता चलूँ कि एमडीकेट की डेट जो है वो फाइनलाइज नहीं है, इट कैन बी 18 अक्टूबर, इट कैन बी लास्ट डेट ऑफ अक्टूबर, इट कैन बी मिड ऑफ नवंबर, कैन लास्ट ऑफ नवंबर, अभी डेट कन्फर्म नहीं, लेकिन अपना स्टडीज जारी रखे हैं, पढ़ते रहें। नम्स की डेट जो है फाइनलाइज हो चुकी है, वो 11 अक्टूबर को ही होगा। और जो है दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।